राज्य महिला आयोग के निशाने पर भी सिर्फ अस्पताल। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल भ्रष्टाचार की तलाश करने शाहजहांपुर के जिला अस्पताल पहुंची। बड़ी ही अजीब बात है कि मुख्यमंत्रियों से लेकर नायब तहसीलदार तक और सभी आयोगों के लोग जब जब भ्रष्टाचार की तलाश करने निकले तब तब उनको सिर्फ सरकारी अस्पतालों का ही रास्ता दिखा। तहसीलदार दफ्तरों जहां के कर्मचारी बिना पैसा लिए पान की पीक तक नहीं थूकते, बिजली वाले बिना 100-200 रुपए लिए नमस्कार नहीं स्वीकार करते, पुलिस थाने जो लोग लगभग बनिए की दुकानें बन गए हैं, आरटीओ में तो पैसा बोलता है, जेल जिसमें पैसा फेंको राज करो का नियम है, वन विभाग पैसे के लिए करोड़ों रुपए की लकड़ी चोरी कराने की जिम्मेदारी बखूबी निभाता है, स्थानीय निकाय जहां सरकारी रजिस्ट्रों में विकास की बाढ़ बहती है, ऐसे किसी भी विभाग की तरफ मुख्यमंत्रियों से लेकर संतरियों तक ने कभी भी नहीं झाँका। जब जिसे मौका मिला बस दौड़ पड़ा सरकारी अस्पतालों की तरफ। इसी लीक पर चलते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल पहुंची शाहजहांपुर के जिला महिला अस्पताल। देखिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। क्या है, क्या खामियां पाई गई है और क्या सुविधाएं मरीजों के लिए दी गई थी? निरीक्षण के दौरान जो है थी कुछ मरीजों को थोड़ी सी दिक्कत थी, कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो सभी जगह पे रहती, यहाँ भी थी थोड़ी बहुत समस्या, यहाँ पर भी थी। हमारे साथ सीएमएस थे, हमारी यहाँ की महिला हॉस्पिटल की भी सीएमएस हमारे साथ में है, तो उनसे बातचीत की है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि यहाँ जो भी मरीज एडमिट है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको चाहे वो सरकारी योजनाओं को लेकर चाहे ब्लड की उपलब्धता को लेकर वो सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए, किसी भी तरीके की कोई उनको कमी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लड नहीं अवेलेबल हो तो ब्लड, अगर डोनर नहीं है तो फिर अदर तरीके से ब्लड उपलब्ध कराया जाए उनको, उसकी वजह से उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जो भी सरकारी योजनाएं हैं सरकार द्वारा से उनको योजनाओं का फायदा भी मिलना चाहिए, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ओपीडी में भी एक टीवी लगाकर भी उनको जो है जानकारी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे आते हैं उनके तीमारदार पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो जो बोर्ड लगे हैं या जो उस पर लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए जो ओपीडी में अगर हम टीवी लगा देते हैं उसके माध्यम से अगर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनको उसका लाभ मिल सकता है।